असलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच कौन बन रहा है, किन किन से क्रिकेट बोर्ड ने बातचीत की है, जो आप खबरें देख रहे हैं कि विव रिचर्ड से बात की है, डेरन समी से बात की है, शेन वॉटसन से बात की है, और क्या पाकिस्तान के तमाम कोचेज़ फ़ौरन होंगे, इस पर ही आज का व्लॉग है। और एक बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फिलवक्त फैसला किया है कि हाइब्रिड कोचेज़ होंगे, यानी टॉप के ऊपर आपके पास गैर मुल्की कोच हों और बैटिंग या बॉलिंग में से या दोनों ही जो हैं वो लोकल कोचेज हों, ताकि इसकी वजह क्या है मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा। और दूसरा, कौन सा ऐसा कोच है जिनके साथ बातचीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कर रही है, यानी मोहसिन नकवी साहब ने जो मुलाकात भी की है। खबरें आपने देखी थी कि सर विव रिचर्ड के साथ और डेरन समी और शेन वॉटसन के साथ, तो इनमें से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि विव रिचर्ड के साथ कोई बात कोचिंग के लेकर नहीं की गई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में सोच रहा है कि विव रिचर्ड को मेंटोर के तौर पर तो कोई भी देख सकता है बट कोचिंग के तौर पर नहीं, तो इसलिए उनसे इस जॉब के ऊपर बात नहीं हुई है। दूसरा, डेरन समी जो है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ अटैच हैं, तो उनसे क्यों कर बात होगी, क्या उनको कहा जाए कि आप अपनी टीम को छोड़कर आप हमारे साथ अटैच हो, तो उनसे भी कोचिंग को लेकर कोई खास बात नहीं हुई है। शेन वॉटसन वो एक क्रिकेटर हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातचीत की है, उनको ऑफर भी किया है, वो भी आगे से पॉजिटिव आंसर है, मगर अभी जस्ट स्टार्टिंग टॉक्स आप कह सकते हैं। और बाकी शेन वॉटसन उस कार्ड के क्रिकेटर जरूर माने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्कल में, कि अगर उनको हेड कोच के तौर पर जॉब उनको दी जाए तो शायद बेहतर रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उसकी वजह यह है कि वो मॉडर्न क्रिकेट को भी समझते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो लेगेसी थी क्रिकेट की, उनमें से रिटायर्ड होने वाले में से सबसे लेटेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने जो पूरी की पूरी लड़ी से लेके आ रहे हैं, क्योंकि दो वनडे वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का वो हिस्सा हैं, दो चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम का हिस्सा, बल्कि दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के मैन ऑफ द मैच भी ये थे। और इसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए तो उनको 7 मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड मिल चुके हैं, लगभग 34 उनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करें, आईपीएल के अंदर 2 बेस्ट आईपीएल अवार्ड उन्होंने जीते, लाइक 2 दफ़ा की आईपीएल के वो बेस्ट क्रिकेटर हुए हैं। और 2014 शायद T20 2012 T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो बेस्ट क्रिकेटर होकर सामने आए थे, जब वो उनके रन भी सबसे ज़्यादा थे और सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर भी थे, तो वो बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पर हैं और सेकेंड बेस्ट जो हैं वो बल्लेबाज भी थे। इसके अलावा ICC रैंकिंग के अंदर भी नंबर 1 वो ऑलराउंडर और नंबर जो टॉप 10 होते हैं बैटर्स उनकी फहरिस्त में भी वो कई मरतबा रह चुके हैं। तो ये उनका CV है जो हम सब ऑलमोस्ट जानते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही वो रिटायर्ड हुए हैं, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान टीम को भी ठीक ठाक फेंटा लगाते रहे हैं जब वो क्रिकेट खेलते थे। 2015 जो क्वार्टर फाइनल था जिसमें वहाब राज का एक यादगार स्पेल देखा जाता है, उसके अंदर भी जीत अगरचे ऑस्ट्रेलिया की ही हुई थी, तो वो उस बारे में भी बहुत से लोग शेन वॉटसन को पहचानते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड फिलवक्त उनके साथ बातचीत कर रहा है और नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे है कि अगर इनके साथ मामला तय पा जाते हैं तो इनको हेड कोच के तौर पर रखा जा सकता है और ये वो करैक्टर हैं जो पाकिस्तान टीम की शक्ल को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। मगर दूसरे पाकिस्तान के कौन से कोचेज उनके साथ अटैच हो सकते हैं वो जाहिर है जब हेड कोच फाइनलाइज हो जाएंगे तो उनसे मशावरत के बाद किया जाएगा, मगर क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि हाइब्रिड कोचिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए टीम के साथ। उसकी वजह यह है कि बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते, ना ही समझ पाते, और उनको जो अपनी इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़ाहिर है कोच के साथ डिस्कस करनी होती हैं, और ऐसे के अंदर सबके सब गोरे होंगे तो माजी में भी ये मुश्किल पाकिस्तान क्रिकेटर्स को रही है कि वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाते। और फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि सारे गोरे कोचेज होंगे तो उनकी एक अलग तरह की उनकी अथॉरिटी बन जाती है और बहुत से मामलों के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स नज़रअंदाज हो जाते हैं, और ऐसे माजी में रहा है, खासकर मिकी आर्थर के टाइम के अंदर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स बहुत से ऐसे हैं जो निगलेक्ट भी हुए, जिनका मिकी आर्थर के साथ मसला भी रहा। तो अब ये फैसला हुआ है कि बैटिंग बॉलिंग में से कोई कोच पाकिस्तान का लिया जाएगा, हेड कोच जो है वो फ़ौरन लिया जाएगा और ट्रेनर भी कोई फ़ौरन ले लेंगे, तो कुल मिलाकर हाइब्रिड कोचिंग सिस्टम को तैयार करेंगे, मगर बहुत दूर की बात रही नहीं है। अब जैसे ही फाइनल मामला हो जाएंगे हेड कोच के साथ, उनके साथ मिलकर ही फ़ौरन बाकी कोचेज जो असिस्टेंट कोचेज हैं उनकी जो फहरिस्त है उनको तैयार कर लिया जाएगा। और फिर चूँकि पाकिस्तान ने आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड के साथ खेलना है, और फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने ज़ाहिर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। और ख़ासकर ये जो PSL चल रहा है इसके ऊपर कौन कौन से नामों को लिया जा सकता है, इस पर भी हेड कोच के ऊपर जो है वो ठीक ठाक बात की जाएगी, हेड कोच से ज़ाहिर इस पर मशावरत की जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का उनके साथ एक लूप में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मामला बहुत दूर के हैं नहीं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम विद इन अ वीक ये सामने ज़रूर आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो फाइनलाइज अभी तक हेड कोच के नाम के तौर पर हुआ वो शेन वॉटसन है, और उसके बाद बाकी कोचेज के नाम है उनसे मशावरत के साथ फाइनलाइज किए जाएंगे, टिल के उनका नाम भी फाइनल हो जाए, तो क्योंकि अभी बातचीत सिर्फ शुरू हुई है, जिनको आइंदा कमिंग डेज़ के अंदर आप कह सकते हैं कि वो फाइनलाइज भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कि हेड कोच के तौर पर शेन वॉटसन पाकिस्तान टीम को कितना बेहतर कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जुड़ जाएगा। मित्र, जब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।